अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ मंसूर अहमद विद माय यूट्यूब चैनल ओवर्ट केमिस्ट्री। आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरत से होंगे। तो आज डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन एवरीडे साइंस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन ये है डियर फ्रेंड्स, that why do we prefer to wear white clothes in summer and black clothes in winter। बहुत इंटरेस्टेड क्या है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग गर्मियों के दौरान क्यों वाइट कपड़े को पहनते हैं, और सर्दियों में अक्सर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि हम लोग अक्सर क्या जो है ब्लैक क्लॉथ्स को क्या करते हैं, पहनते हैं। तो इनका साइंटिफिक रीज़न क्या है, आज डिस्कस करेंगे इनका रीज़न कि हम लोग क्यों इस तरह करते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। जिस तरह मैं अक्सर जो इस तरह के क्वेश्चन हैं इनको क्लियर करने के लिए एक या दो जो टर्म है उनका क्या होता है, रोल होता है। तो आज का जो हमारा मेन रोल जो है सिर्फ और सिर्फ इन दो टर्म्स का है। ये दो जो टर्म्स है ये बुनियादी तौर पर क्लेरिफाई करेगा हमारा क्वेश्चन। तो टर्म्स एक क्या है, ब्लैक है, दूसरा वाइट है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो वाइट क्या है, ब्लैक क्या है, कलर किस तरह बनते हैं, और इनका क्वेश्चन का रीज़न क्या है। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये सपोज हमारा क्या है, सन है, ये मैंने सन बनाया है, और ये क्या है, अर्थ है। हम सब जानते हैं कि सन से है जो है रेज, रोशनी जो लाइट है वो आ रहे हैं टूवर्ड्स दी ज़मीन, ज़मीन की तरफ ये लाइट्स क्या करते हैं, आते हैं। हम सब जानते हैं और हम सब ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो रेडिएशंस, जो लाइट, जो रेज सूरज से ज़मीन की तरफ आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अंडरस्टैंड, जिसे हम लोग शॉर्टकट EMR बोलते हैं। तो इन रेस को क्या कहते हैं बुनियादी तौर पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। या साइंटिस्ट जो है इन नाम्स को, इन रेस को एक पर्टिकुलर नाम देता है जिसे पोटॉन्स कहते हैं। तो याद रखें ये जो सन से ज़मीन की तरफ जो पोटॉन्स या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं इनका स्पीड क्या है, ये मैंने बताया है मेरा एक साइंटिफिक क्वेश्चनिंग के अंदर। आज भी रिपीट करता हूँ कि इनका स्पीड क्या है इन रेडिएशंस का, 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी तकरीबन 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड जो है ये रफ्तार है इस EMR का, अंडरस्टैंड। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनमें मुख्तलिफ किस्म के क्या है, रेडिएशंस और वेव्स जो है वो मुश्तमिल हैं, जिनको साइंटिस्ट ने वेवलेंथ की बुनियाद पर क्या किया है, क्लासिफाई किया है। फॉर एग्जांपल हम अक्सर सुनते हैं कि एक्सरेज, गामा रेज, रेडियो वेव रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एग्जाम्पल्स है। तो देखिए डियर एस्पिरेंट्स, ये यहाँ पे मैं सिर्फ तीन जो है वेव्स की या इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की टाइप्स को ले रहा हूँ। एक विजिबल वेव्स है, दूसरा इंफ्रारेड वेव्स है, तीसरा अल्ट्रावायलेट वेव्स है। अब देखिए हमारा काम इनके साथ है। देखिए जो विजिबल वेव्स है या विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन से मुराद ये है कि सन से जो लाइट आ रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, और उनको हम क्या कर सकता है, देख सकते हैं। अब सूरज की रोशनी को हम दिन यानी डे टाइम क्या कर सकता है, देखते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकता है। चूंकि ये विजिबल है तो इसी वजह से इस रेंज का नाम क्या है, विजिबल वेव्स या विजिबल रेडिएशन या विजिबल लाइट कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो विजिबल रेडिएशंस हैं इनको इनके अंदर बुनियादी तौर पर क्या है, 7 कलर्स है। ये सन से जो लाइट आ रहा है टूवर्ड ज़मीन, ये बुनियादी तौर पर 7 यानी 7 कलर से क्या है, बने हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विब गयार से मुराद क्या है, ये 7 कलर्स का नेम है, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या है बुनियादी तौर पर, ये विजिबल रेंज के अंदर जो 7 कलर्स हैं उनका नाम है, सही है। अब इनका जो विजिबल रेंज है, जो कलर्स हैं इनका,
वेवलेंथ बुनियादी तौर पर 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, यानी वायलेट का जो वेवलेंथ है इनके अंदर विजिबल के अंदर सबसे कम शॉर्ट वेवलेंथ किसका है, वायलेट का है, जो 400 नैनोमीटर से क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब नैनोमीटर क्या है, ये एक यूनिट है किसका, वेवलेंथ का, लेंथ का क्या है, यूनिट है। चूँकि यहाँ पर वेवलेंथ बहुत कम है तो हम बजाय मीटर के यहाँ पर स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं, दो ए जो क्या है बुनियादी तौर पर नैनोमीटर है। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, तो 1 नैनोमीटर बुनियादी तौर पर 10^-9 मीटर के बराबर है। ये वैल्यू हमने क्या करना है, याद रखना है, अंडरस्टैंड। तो ये जो वायलेट है इसका रेडिएशन 400 नैनोमीटर है वेवलेंथ वायलेट का, और सबसे लार्जर वेवलेंथ किसका है, रेड का है, जो 700 नैनोमीटर पर मुश्तमिल है इनकी वेवलेंथ। याद रखिए डियरेस्ट पेरेंट, ये जो टॉपिक है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो टॉपिक है अक्सर जो साइंटिफिक रीजनिंग क्वेश्चन है उनके अंदर किसी न किसी जगह पर इनका जिक्र क्या होता है, ज़रूर जो है आता है। तो इनको क्लियर करें इंशाल्लाह, और जो रेनबो वगैरह किस तरह बनती है उन क्वेश्चन में ये फिर हमारा क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अंडरस्टैंड ये क्या है, विजिबल लेंथ है। अब देखिए विजिबल यानी सबसे लास्ट यहाँ पे रेड आ रहा है। अब रेड से जिसकी वेवलेंथ ग्रेटर है दैट इज कॉल्ड इंफ्रा रेड। इंफ्रा मीन्स ग्रेटर, यानी चूंकि इसके बाद जो रेडिएशन आ रहे हैं उनकी वेवलेंथ रेड से क्या है, ग्रेटर है, 750 नैनोमीटर से ग्रेटर है, तो इसी वजह से इंफ्रा रेड वेव्स कहलाते हैं। इंफ्रारेड वेव से मुराद क्या है, वो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ग्रेटर हो, यानी जिनकी वेवलेंथ रेड से क्या हो, ग्रेटर हो, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड रेज। ऑन दी अदर एंड जिसका वेवलेंथ वायलेट से क्या हो, कम हो, अल्ट्रा, अल्ट्रा मीन्स लेस, जिसका रेडिएशन क्या हो, वायलेट से कम हो, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा मीन्स कम, वायलेट मीन्स वायलेट, यानी इनकी रेडिएशंस क्या होते हैं, वायलेट से कम होते हैं। तो ये भी आपने क्या करना है डियरस्ट पेरेंट, याद करना है। अक्सर ये तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्ट्रा वायलेट वेव्स एंड इंफ्रा रेड वेव्स। तो आज आई उम्मीद करूँगा कि ये दो टर्म्स जो है इनका डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड। तो अब बुनियादी तौर पर क्या होगा, ये जो विजिबल लाइट है ये मुश्तमिल है 7 कलर्स पर। तो चलिए इसको तो हमने क्या किया, क्लियर किया। अब इस साइड पर हम आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक इस पोर्शन में क्या है, मौजूद है। देखिए सपोज मैं क्या ले रहा हूँ, एक वाइट लाइट ले रहा हूँ, सही है। वाइट लाइट के अंदर बजात खुद क्या है, 7 ये कलर्स मौजूद है। वाइट लाइट बुनियादी तौर पर फिर से बता रहा हूँ 7 कलर्स का क्या है, एक मिक्सचर होता है, अंडरस्टैंड। ये किस तरह 7 कलर का एक मिक्सचर है, इसका प्रूफ मौजूद है, और एक जो है इसके ऊपर आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह कर सकते हो, आसानी से एक प्रिज्म जिसे उर्दू में मंशूर कहते हैं, आप एक प्रिज्म उठाओ और उससे इसी वाइट लाइट को क्या करो, पास करो, तो ये आपका जो वाइट लाइट है वो मुख्तलिफ 7 कलर में क्या होगा, डिस्पर्स होगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट जो है, इसका रिजल्ट उसी एक्सपेरिमेंट से आपका रिजल्ट क्या होगा, मिलेगा, सही है। ये जो रेनबो है यानी कब से कजा किस तरह बनता है रेन के बाद, वो बिल्कुल इसी तरह यही फेनोमिना है, उनको मैं अलग क्या करूँगा, एक दिन डिस्कस करूँगा। तो आपका जो लाइट विजिबल लाइट है, सपोज यहाँ पर मैंने ये जो ब्लॉक बनाया, ये एक डाइग्राम है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप चाहे ये मोबाइल लेना चाहते हो, मार्कर लेना चाहते हो, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ये क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया। अगर देखिए इफ मैंने लगाया है यहाँ पे, इफ अगर अगर इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं ये विजिबल लाइट को क्या करूँ, पास करूँ, अगर इस ऑब्जेक्ट ने ये तमाम जो विजिबल लाइट है इनको क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तमाम लाइट वाइट लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया और इमिट कुछ भी नहीं किया, यानी तमाम लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन के बाद इस ऑब्जेक्ट ने किसी भी लाइट को मुंतकिल नहीं किया, रिफ्लेक्ट नहीं किया, ट्रांसमिट नहीं किया, तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका ब्लैक होगा, सही है, अंडरस्टैंड। ब्लैक किस, किसी चीज़ का कलर किस टाइम ब्लैक होगा, बहुत ईजी है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, तमाम वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करे और ट्रांसमिट कुछ न करे, रिफ्लेक्ट कुछ न करे, यानी सारे के सारे एब्जॉर्ब करे, ट्रांसमिट न करे, तो उस ऑब्जेक्ट का हमेशा कलर क्या होगा डिफरेंट, ब्लैक होगा। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना, विजिबल लाइट को मैंने पास किया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एब्जॉर्ब्ड ऑल फोटॉन्स, ऑल रेडिएशंस,
ट्रांसमिटेड नो प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन को ट्रांसमिट नहीं किया, सब के सब एब्जॉर्ब किया, तो कलर आपके पास ऑब्जेक्ट का क्या बना, ब्लैक बना। इफ अगर इस तरह हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट से विजिबल लाइट, देखिए आपने विजिबल लाइट को क्या करना है, लेना है से, क्यों आपने विजिबल लाइट को लेना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, जो इंसान है, वो सिर्फ और सिर्फ इस रेंज यानी विजिबल लाइट को क्या कर सकता है, देख सकता है, यानी 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के अंदर ये जो 7 कलर के रेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग सिर्फ इसको क्या कर सकता है, देख सकता है इस विजिबल रेंज को, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग इनको देख सकता है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, विजिबल है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, अंडरस्टैंड। बाकी जो रेंज है, अल्ट्रावायलेट है या इंफ्रारेड है या माइक्रोवेव्स है या रडार के जो वेव्स या एक्सरे वगैरह जितने भी वेव्स हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कभी भी नहीं देख सकता है, अंडरस्टैंड। ये अलाफा का क्या है, करिश्मा है, एक इंसान इसके अंदर अलाफा का एक बहुत हिकमत अमली है कि अलाफा ने तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स का रेंज है, जो कलर एब्जॉर्बिंग का जो फेनोमेना रखा है ऑब्जेक्ट्स के अंदर अल्लाह पाक ने, वो भी अल्लाह पाक ने इंसान के लिए इस रेंज के अंदर क्या है रखा है से, ये भी क्या है, अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा एहसान है ऑन दी ह्यूमन बीइंग, अंडरस्टैंड। अब अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया साइंटिफिक रीजनिंग में, आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ा है कि कुछ जानवर्स को आपको बताता है कि या बंदर है या इस तरह के जानवर्स बताते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ दो रंग्स को क्यों देख सकते हैं, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हमने क्या क्या डिस्कस किए, स्टडी किया है। उनका रीज़न क्या है कि उनके अंदर सिर्फ दो कलर्स को क्या करना है, पिकअप करने की सलाहत उनके अंदर क्या है, मौजूद है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर जो कुत्ते भौंकते हैं, जो डॉग्स बार्किंग करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये क्यों, जब कुत्ते जो भौंकते हैं तो ये आफत को क्या करता है, देखता है, अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, बुनियादी तौर पर ये उन रेडिएशंस, उन रेस को क्या करता है, देखता है, जो ह्यूमन बीइंग फिर उनको नहीं देख सकता है। तो ये क्या है, इनकी रेडिएशंस की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की ये जो रेडिएशन की वेवलेंथ है ये मुख्तलिफ होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, चूँकि ह्यूमन सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकता है, तो यहाँ पर मैं विजिबल का रेंज ले रहा हूँ। तो अब अगर ऑब्जेक्ट ने विजिबल लाइट को क्या किया, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, और वही सारे फोटॉन्स को वापस क्या किया, ट्रांसमिट किया, यानी एक दफ़ा सारे फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और वापस वही सारे फोटॉन जो ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब किया, वही को वापस सारे के सारे क्या किया, ट्रांसमिट करे, तो फिर हमेशा ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वाइट होगा। अब किसी ऑब्जेक्ट का कलर किस टाइम वाइट होगा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जब ऑब्जेक्ट क्या करे, तमाम विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करे और फौरन उसी तमाम लाइट को वापस तमाम क्या करे, ट्रांसमिट भी करे, देन ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा, वाइट होगा, अंडरस्टैंड। अब वाइट जो है ये हम इस तरह नहीं कह सकते कि वाइट कोई कलर नहीं है, ये सारा कहना साइंस के अंदर 100% क्या है, गलत है। अब वाइट बजाते खुद एक किस्म का क्या है, कलर है। अब वाइट कलर किस टाइम बनता है, जब ये तमाम फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करे विजिबल लाइट के और वही तमाम फोटॉन्स को क्या करे, इमिट करे, उस टाइम फिर वाइट क्या होगा, बनेगा। वाइट बजाते खुद एक किस्म का कलर है। अब एक चीज़ जो है कलरलेस है, जिस तरह हम पानी के बात करते हैं कि पानी जो है वो कलरलेस है, उनको भी मैं डिस्कस करूँगा, वो एक अलहदा चीज़ है। सही है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब कलर किस टाइम बनेगा, मतलब इस पिंक का जो ढक्कन है ये क्यों ब्लू है, इस कलर किस, ये कलर किस टाइम बनेगा, इसका रीज़न सुन लिए। सपोज एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, वाइट लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। अब सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट ने एक पार्टिकुलर किस्म का वेवलेंथ, यानी इस वायलेट इंडिगो ब्लू ये जो भी है, इसमें से अगर सपोज इसने वायलेट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, सिर्फ वायलेट एब्जॉर्ब, तो सारे क्या किया, सपोज मैं वाइट विजिबल लाइट क्या कर रहा हूँ, पाल कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज ऑब्जेक्ट ने सिर्फ वायलेट लाइट या वायलेट जो रेडिएशन है इनको एब्जॉर्ब किया, बाकी सारे जो रेडिएशन है ये जो सिक्स रहते हैं इन सबको इमिट किया। अब शायद हम ये सोचते हैं कि अब ऑब्जेक्ट ने ब्लू ये जो वायलेट है इसको एब्जॉर्ब किया, बाकी सब इमिट किया, तो ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा, वायलेट होगा। इस तरह फिर कहना क्या है साइंस के अंदर, 100% रॉन्ग है, गलत है। किसी ऑब्जेक्ट का कलर किस टाइम बनता है, सपोज देखिए अगर ऑब्जेक्ट ने वायलेट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, बाकी को इमिट किया, तो इस ऑब्जेक्ट का कलर फिर क्या होगा, येलो होगा।
जो क्या है, जो बुनियादी तौर पर वायलेट का एक कम्प्लीमेंट्री कलर होगा, सही है। अब मैं इनको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, कम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ये फिर बहुत लेंथी होगा टॉपिक, सही है। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ने जिस पठान को ऑब्जर्व किया वो उसका कलर नहीं होगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट ने जिस पठान को ऑब्जर्व किया बल्कि उसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो है ह्यूमन बींग क्या करेगा, देखिएगा, सही है। अगर ऑब्जेक्ट ने वायलेट को क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो इसका कलर क्या होगा, येलो होगा। येलो क्या है, वायलेट का बुनियादी तौर पर कम्प्लीमेंट्री कलर है, सही है। ये पॉइंट आपने क्या करना है, याद रखना है। तो कलर किस टाइम होगा कि एक पर्टिकुलर को ऑब्जर्व करे बाकी इमिट करे। अब जिसको ऑब्जर्व करेगा फिर आपने टेबल के मदद से देखना है कि उसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, फिर आपने उसका वो क्या लेना है, कलर लेना है। अब बात है वाटर की, वाटर जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है, अमूमन हम इस तरह कहते हैं। वाटर क्यों कलरलेस लिक्विड है, वाटर का कोई मखसूस पार्टिकुलर जो रंग है वो नहीं होता है, उसका रीज़न सुन ले। रीज़न ये है कि वाटर जो है बुनियादी तौर पर अल्ट्रा वायलेट रीजन, इस रीजन में फोटॉन को क्या करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हालांकि हमारा रेंज कौन सा है, ह्यूमन बींग का रेंज बुनियादी तौर पर विजिबल है, इस रेंज में हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, देख सकता है, लेकिन वाटर क्या करता है, इस रेंज वाले फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से चूंकि इस रेंज वाले फोटॉन को हम लोग नहीं देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से वाटर क्या है, वो एक कलरलेस लिक्विड है। अंडरस्टैंड, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब ये तो हमारा रहा बेसिक कंसेप्ट, अब क्या होगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है, Why do we prefer to wear white clothes in summer and black clothes in winter? अब यह तो बहुत ईजी है। अब जब जिस दिन क्या होगा, सर्दी होगा, हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक यानी ब्लैक कपड़े को क्या करते हैं, पहनते हैं। रीज़न क्या है, हम लोगों ने बताया, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आपके पास जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है वो तमाम के तमाम फोटॉन्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इमिट कुछ नहीं करेगा। अब चूंकि सर्दी है, सर्दी में हम लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं, वही ब्लैक कपड़े क्या करते हैं, सन से जितने भी लाइट है उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसी ब्लैक कपड़ों की वजह से फिर हम लोग क्या होते हैं, हमारा जिस्म जो है वो गर्म हो जाता है, सही है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, मेंटेन होगा, हाई होगा, सही है, हम लोग इंजॉय करेंगे बाई द हेल्प ऑफ ब्लैक क्लॉथ्स। अब जब समर की बात आ जाए, गर्मियाँ आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा ऊपर से क्या हो, जून जुलाई का महीना हो, फिर कराची सिबी जखमाबाद का क्या हो, टेम्परेचर हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे तो ब्लैक कपड़े हम लोग नहीं पहन सकते हैं। क्यों, एक तो टेम्परेचर आपका आए है जून जुलाई का महीना है, दूसरा आप इतने गर्म सिटी शहर में हो, तो क्या करता है, अगर आप ब्लैक कपड़े पहने तो क्या होगा, आप एक दफ़ा जुलाई वगैरह की गर्मी है, दूसरी दफ़ा आपका कला जो है वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, ब्लैक कपड़ों के बजाय वहाँ पे गर्मियों में हम वाइट क्लॉथ को क्या करते हैं, पहनते हैं। वाइट क्लॉथ का रोल क्या है, वाइट क्लॉथ का रोल जो है बहुत सिंपल है, वो पोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और उसी जितने भी पोटॉन्स को वाइट ने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, उसी को फौरन वापस क्या करता है, इमिट करता है। तो इसी वजह से जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो फिर गर्म नहीं होगा, हाई नहीं होगा। तो यही क्या है, रोल है, चूँकि ब्लैक बॉडी हमेशा क्या करता है, तमाम ईट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और इसी चीज़ को क्या बनाता है, गर्म बनाता है, जबकि जो वाइट चीज़ है वो तमाम पोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसी को फौरन इमिट भी करता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, गर्म नहीं होगा, क्योंकि जो हीट आएगा उनको वापस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो ये रहा आज का लॉजिक, आई होप कि आपने क्या किया, इंजॉय किया होगा और आपने रीज़न इनका क्या है, सीखा है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, लाइक करें लेक्चर को। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक और लेक्चर के अंदर, इजाज़त रखिए, खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़, टाटा।